नमस्ते। मैं आपको गेहूं के आटे का और सूजी का डोसा बना के बता रही हूँ। जो डोसा अपना ऐसे ही बनता है जैसे हम सूजी का या चावल या उड़द दाल का बनाते हैं, वैसे ही बनता है। हमें 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो हमें उसमें 1 कटोरी सूजी लेनी है, ठीक है। और इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमें उसमें दही डालना है और थोड़ा सोडा डालना है और नमक डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में उसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमें, और थोड़ा ऐसे रखना है। डोसे का पेस्ट आपने देखा हो, उस हिसाब से आपको रखना है, ठीक है। मैं वैसे बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग तो जानते होंगे वैसे, क्योंकि आजकल तो बहुत फेमस है ये सारी चीज़ें। मेरा गंद पाउडर ख़त्म हो चुका है, जो हैदराबादी गंद पाउडर होता है, जो मेरे भाई शायद वहाँ से वो गंद पाउडर, वो वहाँ का फेमस है, तो वो मैं डालती हूँ, पर मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं बनाऊँगी दोबारा। और इसमें मैंने डाला है मतलब दूसरा पाउडर डाला है, और प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची है, टमाटर है, और वैसे आप हरा धनिया भी डाल सकते हो। जो भी आप डालना चाहते हो वो डालो, और उसे घी डालो उसके ऊपर से, अच्छे से पकाओ। और फिर पकने के बाद में एक दो बार ऐसे मतलब ऐसे फोल्ड करके और एक दो बार पका लो, जैसे मैं पका रही हूँ उस हिसाब से। वैसे मैं ये जल्दबाजी में आपको वीडियो बता रही हूँ, और जैसे मुझे कभी टाइम मिला तो मैं पूरी रेसिपी आपको बताऊँगी। और बहुत ही अच्छा बनता है, कड़क कड़क क्रंची ऐसे बनता है, एकदम कड़क कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है। और जब वो मेरा गंद मसाला आ जाए, मतलब बना लूँगी ना मैं, तब मैं आपको ये रेसिपी अच्छे से और बना के बताऊँगी। वैसे अगर हम देखा जाए ना, तो गेहूँ के आटे का जो डोसा बनता है ना, सूजी और गेहूँ के आटे का, वो बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी, मतलब स्वाद में भी बड़ा अच्छा होता है, ठीक है जी। और आ जाइए सारी दीदियाँ खाने। अभी तो मैंने ये बनाया है, थोड़ा सा चटनी बनानी है इसके साथ में, फिर खाएंगे। आप लोग भी आ जाना खाने। एक कमेंट मुझे ये आया था कि दीदी आप इतनी सारी रेमेडी बताते हो, उनमें से हम सारी रेमेडी तो नहीं लगा सकते, तो हम कैसे करें। मैंने आप शायद वीडियो, श्वेता पांडे कुछ ऐसे नाम है उन दीदी का, दीदी आपने शायद वीडियो ध्यान से नहीं देखा। मैंने एक बात बोली थी, मैंने 3 पैक बताए हैं। और 3 पैक में क्यों बताती हूँ मैंने, मैं देखो परसों के पाव में एक तो पाउडर वाला बताती हूँ, जो 1 पैक बताती हूँ मैं उसमें मैं सारी चीज़ें डाल के बताती हूँ आपको। जैसे जिनके पास में पाउडर वगैरह होते हैं तो वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उस पैक को। और 1 पैक में ऐसा बताती हूँ जो जिनके पास में सामान नहीं है तो वो लोग भी उसे इस्तेमाल कर लें। देखो रूटीन तो सबको फॉलो करना है ना, अब ऐसे ही थोड़ी ना मैं कि एक ही पैक बता दूँ, अब बहुत सो के पास में वो सामान ना हुआ तो वो पैक ना लगा पाए ना, तो इसलिए मैं उस हिसाब से पैक बताती हूँ, 3 पैक दे, ताकि जिनके पास में जो भी चीज़ उपलब्ध है और जो पैक वो लगा सकते हैं, तो तीनों पैकों में से वो चॉइस कर सकते हैं और अपना महीने का पैक रख सकते हैं, ठीक है। 3 में से 2 पैक आप चॉइस कर लो और अपना आराम से लगाओ, ठीक है। तो ऐसे होता है। और जो हेयर प्रोटीन के लिए और तुलसी वाला हेयर प्रोटीन है, वो दोनों ही हेयर प्रोटीन अच्छे हैं, पर अभी जो मैंने आपको बबूल का जो हेयर प्रोटीन बताया है वो बहुत ही अच्छा है। और मैंने वो बोला था कि बबूल पाउडर जिसके पास नहीं है तो वो बगेड़ा वाला ले सकते हैं, बहेड़ा बगेड़ा क्या आता है, वो पाउडर ले सकते हैं। पर हाँ, अब मैं आप लोगों के लिए जो हेयर प्रोटीन आएगा वो शायद आपके सबके पास में उपलब्ध होगा वो सामान, क्योंकि बहुतों के पास में वो नहीं थी, बबूल नहीं था और वगैरह वगैरह कुछ ऐसे नहीं था पाउडर, तो उनके लिए मैं जो हेयर प्रोटीन आएगा, ये हेयर प्रोटीन भी समझ लो, आप जो भी ऐसे समझना चाहते हो वो आप समझ सकते हो। इसके मैं बहुत से फ़ायदे बताऊंगी आपको, बहुत सी चीज़ें, तो वही मैं अभी लगा रही हूँ। क्योंकि देखो मेरा एक ही चीज़ होता है, बताने से पहले मैं आपको लगा के अच्छी तरीके से देख लेती हूँ, मतलब मुझे लगा के, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है।
इसलिए मैं देख लेती हूँ पहले अच्छी तरीके से, इसलिए मैं अभी वो ही लगा रही हूँ। कम से कम मैं इस वीक लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों के लिए बताती हूँ अच्छे से, ठीक है? क्योंकि अगर कोई कमी रहेगी तो मैं उसे पूरी कर सकूँ। ओके। और पैक का ऐसा है, पैक मेरे आज मेहंदी मिला के मैंने पैक लगाया था, मेहंदी मिला के लगाया था आज पैक मैंने, तो आज मेरा उस पैक का डी एंड हो चुका है, मतलब मेरा पैक पूरा ख़त्म हो चुका है। और वो क्लिप, मतलब जो वो वीडियो है, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं जल्दबाजी में सुबह वीडियो नहीं बनती, और नल मेरा लेट हो गया, मतलब मैं लेट उठी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से पैक लगाया और अपना मतलब वो फिनिश किया वो पैक। अब जो पैक आएगा हमारा, वो पैक नॉर्मली इतना अच्छा है, वैसे दिखने में ज़्यादा हैवी वैवी कुछ नहीं है, ना उसका तामझाम ज़्यादा, पन वो इतना अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ही वर्क करेगा। मेरा एक ये होता है कि मैं कोई भी पैक स्टार्ट करती हूँ तो उसे 4 से 5 बार लगाती हूँ मैं उस पैक को, ठीक है? और आप अपना देख सकते हो, और ये लगा के मैंने छोड़ दिया है। और इसे मैं अब 2 घंटे तक के लिए मतलब सूखने दूंगी, लगाने के बाद में अच्छे से बालों में। अब ये सूख जाएगा ना, तब मैं ऑयल करूँगी, आज ऑयल डालूँगी, ऑयल की वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए, फिर आपका हेयर लोशन का वीडियो भी आना है, क्योंकि देखिए रूटीन बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप मेरे बाल देख ही सकते हो, मैं तो कोई छुपा छुपा के भी बताती नहीं हूँ आप लोगों को, जो भी है सामने ही है आप लोगों के, ठीक है? अच्छे से आप देख लीजिए और फॉलो करिए, देखिए मेरे बालों के पीछे से ग्रोथ कितनी हुई है, बहुत ज़्यादा। और ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत सिर में दर्द भी बहुत होता है, आँखों में सूजन भी बहुत आती है। और ये जो मैं मुँह में ऐसे चबा रही हूँ, क्या करूँ, वो चबा रही हूँ जिससे कि फेस थोड़ा पतला हो, क्योंकि पता नहीं मेरे को, मैं ना आराम 15-20 दिन आराम कर लिया ना मैंने, तो फिर से वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया मेरा, ऐसे ही है, मैं आराम कर लेती हूँ ना, मतलब नहीं मेहनत करती और आराम कर लेती हूँ तो मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे होता है मेरे साथ में, मैं मेहनत करती हूँ, वेट लॉस करती हूँ, फिर वापस से दोबारा हो जाता है। एंड में आप ऐसे भी हेयर प्रोटीन अपने अपने आगे आगे लगा लीजिए।